आए, इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद जो आदमी अपना अनुभव लिखेगा कि मैंने जीवन की चुनौतियों को कैसे फेस किया, क्योंकि हम सब वही सारी चुनौतियां झेलते हैं। ये पहले चीज का तुम अपने अंदर विकास करो, ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ। और ऑब्जर्वेशन डेवलप करने का सबसे प्यारा सोर्स है कबीर रैंचो, और इन लोगों से मैंने ये स्टाइल चुरा ली। कोई किताब लेके थोड़ी आया था कि भारत को कैसे जीते, अब तो बाहर हर चीज की किताब मिलती है। जीत आपकी, बच्चा कैसे पैदा करे, बच्चे गोरे कैसे हो, हर चीज की किताब मिलती है बाहर। YouTube पे वीडियो तो है ही है, किताबें भी हैं। जीत आपकी, अब मोदी जी ये किताब लिखे तो समझ में आए। इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद जो आदमी अपना अनुभव लिखेगा कि मैंने जीवन की चुनौतियों को कैसे फेस किया, समय अगर उनका इंटरव्यू लो तो दो चार मैं क्वेश्चन पूछूं उनसे कि सर जब समाज आप पर दबाव बना रहा था परिवार का, तब आप क्या कर रहे थे, उस चुनौती को कैसे, क्योंकि हम सब वही सारी चुनौतियां झेलते हैं। 25 के बाद शुरू, शादी नहीं हो रही है, 20-22 के बाद लड़कियों के लिए शुरू हो जाता है और 25 के बाद लड़कियों का, और तुम्हारे मां बाप नहीं परेशान है, पड़ोसी कि शादी कब कर रहे हो, दुबे की बेटी वो भाग गई थी, ये भी बता जाएंगे। पता का तुम्हारे पिता का बीपी हाई हो गया, मजा आ रहा है ना लोगों को। 25 के बाद लड़का कि अब कर लो शादी, 25 के हो गए हो, तुमको क्या पता कि सत्तू पी के दिन काट रहे, पढ़ाई चल रही, कहां कर ले। तो मैं उनसे सवाल पूछूं कि सर जब आपके ऊपर ये सोशल प्रेशर बन रहा था उस वक्त आप क्या कर रहे थे, क्योंकि तो बना तो उस आदमी के ऊपर भी होगा और उनपे ज्यादा बना होगा क्योंकि वो शादीशुदा थे। अब फिर वही बात मैंने कहा कि जब भी कोई आदमी कोई काम करता है, रॉबर्ट क्लाइव इंडिया पहुंचा, क्लर्क है कंपनी में, अपने समय को देखना, उसकी आवश्यकताओं को देखना। अब देखो क्लाइव को अगर तुम फॉलो कर लो तो तुम्हारा जीवन महान हो जाए। रॉबर्ट क्लाइव मॉडल, नया मॉडल है ये, इंडिया पहुंच रहा है, क्लर्क कहां, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क है, और 1756 में 1756 कंपनी फंस गई। कहां फंस गई, कर्नाटक युद्ध में, कर्नाटक वॉर, कंपनी फंस गई। 1749 में इन्होंने मार तो दिया अनवरुद्दीन को, लेकिन अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली के किले में बैठ गया, उसने कहा मैं नया दावेदार। फ्रांसीसी और ड्यूपले की उपलब्धि अपने पर चरम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान कि क्या करें। तब क्लाइव बना संकट मोचक, उसने कंपनी से कहा कि सरकार एक खेल हम भी खेल ले, एक बार हमको उतार दो वन डाउन, देखो कैसे मार के आ रहे हैं, चले जाओ खेलोगे, हाँ बोले साहब खेलेंगे, बोले जाओ मुत्रा। चंदा साहिब की हत्या हो गई, ड्यूपले इस कंट्री से भगा दिया गया, और सारी स्थिति जो विपरीत चल रही थी वो कंपनी कब्जे में आ गई। कंपनी बहुत खुश हुई, सीता का पता लगा लाए, अरे बोले साहब लंका में, और पता लगा के थोड़ी सिर्फ आए हैं सर, लंका जला के भी आए हैं। अरे बोले तुम तो भगवान हो, तुमको बंदर किसने कहा, बोले साहब यही लोग कह रहे,
भगवान हो तुम, भगवान समंदर लांग है। बोले समंदर लांग है साहब, समंदर लांग है, लंका में आग भी लगा लाए, डायलॉग भी दिया है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। रिवॉर्ड मिला, रिवॉर्ड तुरंत तोहफा मिला। अब जैसे ही इसने कंपनी को एक संकट से निकाला, तुम देखो अगर तुम्हारे घर में कोई चुनौती आती है, तुम घर को चुनौती से निकाल लेते हो, तो जब दोबारा चुनौती आएगी घर वाले तुरंत तुम्हारी तरफ देखेंगे।